signum function, signum, signum function. Spelling वगैरह थोड़ा देख लेना भाई, signum function. अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, इसको प्यार से सिंघम फंक्शन भी कहते हैं. कहता है कि f ऑफ x बराबर मॉड x बाय x इफ x नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड f ऑफ x बराबर जीरो इफ x इज इक्वल टू जीरो. टाइप ऑफ फंक्शन is called signum function. Type of function is called signum function and is shortly shortly denoted by SGNM of x. कहीं कहीं पर SGN भी लिखता है, कहीं कहीं पर देखो क्या लिखा नोट में, SGN भी, SGM या SGN, कहीं कहीं पर SGN भी लिखता है, कहीं कहीं पर SGM भी लिखता है, कहीं कहीं पर SGNM भी लिखता है. तो signum of x this implies signum of barabar mod x by x if x not is equal to 0. And signum of x is equal to 0 if x is equal to 0. You see, mod x by x ke jagah par x by mod x bhi use karta hai if x not is equal to 0 and 0 if x is equal to 0. Dekhenge dono ka meaning same hota hai. When x greater than 0, then mod x is x, their ratio becomes 1. When x less than 0, mod x is minus x, their ratio becomes minus 1. Same is case mein bhi hota hai. Jab x 0 se bada hai, to x by mod x is 1. Jab x 0 se chota hai, to mod x becomes minus x and their ratio becomes minus 1. Pahle wale case ko 3 tukre mein baat sakte ho. Case 1, jab x 0 से छोटा होगा, जब x छोटा होगा 0 से तो mod x क्या होगा भाई, minus x बटा x होगा, mod x becomes minus x and minus x by x becomes minus 1. Case 2, जब x बराबर होगा 0 से, जब x बराबर होगा 0 के तो signum of x क्या है भाई. Case 3, जब x greater than होगा 0 के, जब x greater than होगा 0 के तो फाइनली क्या पता चलता है भाई, mod x is x, x नहीं है 0 के बराबर, यानी 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है. तो जब x greater than 0 है then mod x is what, x and x mod x by x is basically x by x. समझ में आ रहा है कहां दिक्कत हुआ वाला. बेटा हम ये बोले कि जब x 0 से बड़ा है तो x 0 है क्या, जब x 0 नहीं है तो ये वाला लेंगे कि ये वाला पर काम करेंगे, ऊपर वाले पर काम करेंगे, बहुत अच्छे. और जब x 0 नहीं है तो mod x का मान क्या होगा, mod x x होगा, mod x x होता है जब x 0 से बड़ा होता है और mod x minus x होता है जब x 0 से छोटा होता है. आई भी बात समझ में, तो mod x बराबर क्या हो गया x,
और बटा क्या है भाई, और x बटा x क्या हो गया भाई, तो सिंपल सा चीज है, सिग्नम ऑफ एनीथिंग इज वन व्हेन दैट थिंग इज ग्रेटर देन जीरो, सिग्नम ऑफ एनीथिंग इज जीरो व्हेन दैट थिंग इज जीरो, एंड सिग्नम ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू माइनस वन इफ दैट थिंग इज लेस देन जीरो। तो कहीं मॉड एक्स बाय एक्स यूज करता है, तो कहीं पर एक्स बाय मॉड एक्स यूज करता है, ये बात समझ में आया या नहीं आया? तो एक्स बाय मॉड एक्स को भी चेक कर लेते, इसमें भी तीन केस, जब एक्स नहीं है जीरो के बराबर तो एक्स छोटा होगा जीरो के, एक्स बड़ा होगा जीरो के, और एक्स बराबर होगा जीरो के। जब एक्स जीरो से छोटा है तो क्या एक्स जीरो है क्या? जब एक्स जीरो से छोटा है तो एक्स जीरो है क्या? जीरो नहीं है तो ये वाला लेंगे कि ये ले लेंगे? तो एक्स बाई मॉड एक्स बिकम्स, एंड व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो मॉड एक्स बिकम्स माइनस एक्स, इज इट क्लियर नॉट? एंड एक्स बाई एक्स बिकम्स वन एंड माइनस ऑफ दैट बिकम्स माइनस वन। जब x का मान 0 के बराबर होगा क्या होगा भाई? जब x का मान 0 के बराबर होगा, आया भाई बात समझ में? तो भाई जरा ध्यान समझना, तो जब x 0 है तो सिग्नम ऑफ x क्या है भाई? 0 है। जब x 0 से बड़ा है क्या है भाई? जब x 0 से बड़ा है तो जीरो तो नहीं है, जब जीरो नहीं है तो क्या है भाई? एक्स बाई मॉड एक्स, और मॉड एक्स एक्स होता है जब एक्स जीरो से बड़ा है, तो मॉड एक्स को बेटा क्या कर देंगे, और एक्स एक्स को काट कर क्या कर देंगे भाई? क्या कर देंगे भाई? वन कर देंगे। ये बात समझ में आया या नहीं आया? तो सिग्नम ऑफ एक्स इज माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, सिग्नम ऑफ एक्स इज जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो माइनस वन जीरो जीरो वन वन छोटा बराबर गड़बड़ा छोटा बराबर, तो दोनों सेम चीज है क्या? अलग चीज है। तो ये वाला और ये दोनों सेम चीज है क्या? अलग चीज है। हैं सिग्नम ऑफ एक्स को आप ऐसे एक्सप्रेस करो या फिर ऐसे एक्सप्रेस करो। अभी समझ में आया अभी बात पक्का? अभी थोड़ा समझो, बाद में और डिटेल में समझेंगे, ठीक है? पक्का भाई? अब जरा ध्यान से देखो, सपोज लेते हैं इस प्रकार के फंक्शन को ऐसे किया गया है, जीरो बटे नहीं लोगे तो गलत, तो उसको सिग्नम नहीं माना लोग। मतलब क्या है ना कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स बाय एक्स, जब एक्स नहीं है जीरो, और एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कंसीडर एज सिग्नम फंक्शन, जो सिग्नम फंक्शन मानते हैं, पी बटे एच को ही साइन क्यों मानते हैं, है ना? वैसे इस प्रकार के फंक्शन को सिग्नम फंक्शन माना गया, तो कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स जो आगे चल के समझ में आएगा आपको, है ना? ठीक है, तो कहता है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? तो वी नो दैट सिग्नम ऑफ एक्स इज मॉड एक्स by x if x not is equal to 0 and 0 if x is equal to 0। इसी को जरा और गहराई में जाकर के देखे, signum of the function is what? 1 minus 1 if x less than 0 and signum of x is equal to 0 if x is equal to 0 and signum of x is equal to 1 if x is greater than 0। यदि x 0 से बड़ा है तो signum of x क्या होगा भाई? 1 होगा। यदि x 0 के बराबर है signum of x क्या होगा? 0 होगा। यदि x 0 से छोटा है तो signum of x क्या होगा भाई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है भाई, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होना चाहिए भाई, जरा गौर से देखो।
तो जब जीरो से बड़ा है तो वन है, तो जीरो से छोटा है तो माइनस वन है, जीरो है तो जीरो है। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम फंक्शन। ठीक है भाई, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। क्लियर? नाउ व्हाट इज द डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन? हियर डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। यहां डोमेन क्या होगा भाई? सारे के सारे रियल नंबर का समुदाय होगा। बोलो बेटा समझ में आया? ठीक है भाई, आ रहा है? अभी भी वही लटका हुआ है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। एंड रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस वन, जीरो और सिग्नम फंक्शन के रेंज में मैक्सिमम यही तीन एलिमेंट हो सकता है। कम हो सकता है, ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? पक्का बात भाई। तो इस प्रकार से सिग्नम फंक्शन का डोमेन और रेंज डिफाइंड होता है। ये y बराबर वन है, y बराबर माइनस वन है, जीरो है, x एक्सिस है। बोलो बेटा समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा और हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में जानते हैं। कोई दिक्कत है भाई? अब मान लो सिग्नम फंक्शन में क्या है कि और बड़ा बड़ा सवाल दे देगा ग्राफ का, है ना? कहता है ड्रॉ, ठीक है भाई, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई बराबर एस जी एन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या कर दिया भाई? सिग्नम ऑफ एक्स का तो समझ में आ गया। एंड नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब हमको सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचना है, कैसा ग्राफ खींचना है, और सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर का डोमेन और रेंज भी निकालना है। बेटा समझते समय हर चीज इजी ही लगता है, उसके बाद घर जाके करते क्या, उस पर सारा का सारा खेला है। समझ आया? तो भाई सिंपल से देखो, अब एक बताते हैं भाई बात। तो y बराबर एस जी एन ऑफ एक्स स्क्वायर है, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर का मॉड बटे एक्स स्क्वायर होगा, यदि x नहीं है जीरो के बराबर। चलो भाई, और जीरो होगा यदि x है बराबर जीरो के। बोलो बेटा यहां तक समझ में आया? भैया एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे जीरो से बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो कहने का मतलब वाई बराबर सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर है, और सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का मॉड तो हमेशा एक्स स्क्वायर ही रहना है, बटा एक्स स्क्वायर ही रहना है। सिग्नम ऑफ हाथी बराबर मॉड ऑफ हाथी बटे हाथी, इफ हाथी नॉट इक्वल टू जीरो। सिग्नम ऑफ हाथी इज मॉड ऑफ हाथी बाय हाथी इफ हाथी नॉट इक्वल टू जीरो। एंड हाथी इज व्हाट? एलिफेंट, है ना भाई? इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड वी नो दैट एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज व्हाट? हैंस सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर इज एवरीवेयर वन एक्सेप्ट देन जीरो। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर का मान हमेशा वन होता है सिर्फ जीरो को छोड़ के। भैया कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे भाई? जीरो पर तो जीरो, जीरो को छोड़ करके इधर भी वन, और ये द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? बिलोंग्स टू व्हाट? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर दैट इज फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। ठीक है, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू व्हाट? जीरो एंड वन। एंड रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स फ्रॉम
जीरो एंड वन। फंक्शन का रेंज क्या होगा भाई, उसमें एक एलिमेंट जीरो है, एक एलिमेंट वन है। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जहां से जहां तक ग्राफ पॉजिटिव उसका सिग्नम वन, जहां से जहां तक ग्राफ नेगेटिव उसका सिग्नम माइनस वन। ठीक भाई, देखो इधर आ जाओ भाई, थोड़ा सा ध्यान दो यहां पर। पॉजिटिव का सिग्नम वन, नेगेटिव का सिग्नम माइनस वन, जीरो का सिग्नम जीरो, एकदम सिंपल सा गणित है। फिर से, जब x जीरो से बड़ा है तो उसका सिग्नम वन, जब x जीरो से छोटा है तो उसका सिग्नम माइनस वन, और जब x जीरो के बराबर है उसका सिग्नम जीरो। सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज वन, सिग्नम ऑफ निगेटिव इज, एंड सिग्नम ऑफ जीरो इज जीरो। ले रहे भाई, मतलब सिग्नम इस तरह का क्या है भाई, बता रहा है जहां से जहां तक ग्राफ ऊपर है वहां वहां। एंड देखो भाई, एक्स स्क्वायर क्या है भाई, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, हमेशा पॉजिटिव दे रहा है। और भैया जब हमेशा पॉजिटिव दे रहा है तो हमेशा उसका सिग्नम क्या है भाई, वन है, तो दिक्कत। अब एक दूसरा फंक्शन देते हैं, देखते हैं कि हम लोग बना पाते हैं नहीं बना पाते है ना। तो भाई इसको मिटा दें। सपोज दैट वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। हाउ, सीखो बेटा सीखो, ऐसे भी कुछ होने जाने वाला है नहीं, कुछ होने जाने वाला है नहीं, अच्छे से सीख लो। अगर लिख भी लोगे घर जाके कुछ करोगे नहीं तो कुछ नहीं होने जाना है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एकदम सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। भैया इसका दो रूट निकलेगा, वाई बराबर एक्स माइनस वन इंटू, तो एक रूट वन मिलेगा एक रूट टू मिलेगा। ग्राफ कैसा जाएगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो पाराबोला किधर खुलेगा भाई, पाराबोला ओपन अपवर्ड, इधर पाराबोला ओपन अपवर्ड, धन्यवाद। इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, बीच में निगेटिव। बेटा पॉजिटिव का सिग्नम क्या, वन। यहां से ये वन है, ये टू है, पॉजिटिव का सिग्नम क्या और नेगेटिव का सिग्नम क्या। अब ये टच करेगा कट करेगा वो कोई इशू नहीं है, अभी नीचे से भी जा सकता है। ये बता रहे हैं कि ये माइनस वन है और ये बता रहे हैं कि ये वन है, y इज इक्वल टू वन है ना, y इज इक्वल टू वन है भैया, ये y इज इक्वल टू माइनस वन है। अब ये ग्राफ देखना होगा ऊपर है कि नीचे है, फर्क नहीं पड़ता है। वन से टू के बीच में, ठीक है भाई, यह जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए उसका सिग्नम क्या मिला भाई, सॉरी नेगेटिव दे रहा है इसलिए उसका सिग्नम माइनस वन। और वन से टू के बाहर ये जो है क्या भाई, पॉजिटिव दे रहा है, उसका सिग्नम क्या होगा भाई, वो दिक्कत। चलो भाई अगला सवाल, कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई बराबर सिग्नम ऑफ साइन एक्स। इसका ग्राफ खींचना है भाई, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ साइन एक्स। इसका ग्राफ खींचना है भाई, तो टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई बराबर सिग्नम ऑफ साइन एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to draw the graph of y is equal to sin x. सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to sin x, इज इट क्लियर नॉट,
बेटा सबसे पहले क्या कर लो भाई, तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अगर आप ड्रॉ करो, और उसमें तू लोग तो एक्सपर्टीज हो क्या भाई, यही देखो आता है सर हम लोग को, नहीं जी इसको देख के लालच भी थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है, जहां से जहां ऊपर उसका सिग्नम वन, अब ये अलग बात है कि साइन का मैक्सिमम वन है इसलिए टच कर जाएगा, जहां से जहां नीचे उसका सिग्नम क्या भाई माइनस वन, जहां से जहां ऊपर उसका सिग्नम क्या भाई, जहां से जहां नीचे उसका सिग्नम क्या भाई, ठीक है भाई, जहां से जहां ऊपर अब ये लिखना होगा, ये जीरो है, ये पाई है, ये टू पाई है, ये थ्री पाई है, ये फोर पाई, इसका सिग्नम क्या होगा भाई, आ रहा बेटा बात समझ में, और बाद में फिर इसको क्या कर दो भाई, साइन एक्स को मिटा दो। ठीक है भाई, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ वाई बराबर सिग्नम ऑफ साइन एक्स, दिस वन इज अ ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, और सिग्नम ऑफ साइन एक्स में जीरो पर क्या देगा भाई, जीरो पर जीरो देगा, क्लियर है, आफ्टर रिमूविंग द ग्राफ ऑफ साइन एक्स द रिमेनिंग ग्राफ माइनस पाई माइनस टू पाई माइनस थ्री पाई एंड डॉट 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 टू एन, द रिमेनिंग ग्राफ इज ओनली द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ साइन, अगर आप किसी फंक्शन का साइन स्कीम जानते हैं तो आप उसके सिग्नम फंक्शन का ग्राफ फटाक से खींच सकते हैं। ठीक है भाई, एंड स्टिल हियर द डोमेन of the function belongs to set of all real number and range of the function belongs from what, hello bhai, minus 1 0 and 1, theek hai, minus 1 mil raha hai, 0 bhi mil raha hai aur 1 bhi mil raha hai, koi dikkat, theek hai bhai, this one is what y is equal to 1, this one is what y is equal to minus 1 and the entire is what the graph of y barabar signum of sin x, beta do teen baatein dhyan samajh jao ki signum function ka domain signum ke andar koi function hai us par depend karta hai, signum of log x suppose ab log x ka domain work karega, clear, अब मन में आया तो चलो खरीद लेते हैं, अब लॉग एक्स का ग्राफ अभी अलग अलग केस में होगा ऐसा है, तो यहां से ऊपर चल जाएगा इधर और यहां से यहां तक चल जाएगा क्या भाई माइनस वन चल जाएगा, ठीक है भाई, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ लॉग एक्स, तो जहां से जहां तक किसी फंक्शन का ग्राफ पॉजिटिव है एक्स एक्सिस के ऊपर है वहां से वहां तक उसका सिग्नम वन, और जहां से जहां तक ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसका सिग्नम, बेटा एकदम सिंपल सा चीज है, लेकिन अगर आपको अच्छे से नहीं है तो आप गड़बड़ा जाइएगा, तो होप कि आपको सिग्नम फंक्शन समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत, चलिए और दो चार सवाल दे दें सिग्नम फंक्शन पे, सवाल का क्या जितना सवाल ले सकते हो उतना ले सकते हो, लेकिन कुछ हमको मिटाना पड़ेगा, तो हम यहां पर एक काम करते हैं कुछ सवाल यहां पर लिख देते हैं, y बराबर जनरली बुक में क्या है ना सिर्फ सिग्नम ऑफ x है, तो भाई वहां तक के लिए आप यहां नहीं आते हो, आपको थोड़ा आगे जाना है, y बराबर सिग्नम ऑफ tan x, y बराबर सिग्नम ऑफ e पर पावर x, y बराबर सिग्नम ऑफ log ऑफ x अंडर बेस हाफ, दिक्कत है भाई, चलो
तो जो भी है ये चार सवाल हम लिख दिए हैं, इसके ग्राफ को आप लोग ड्रॉ करिए, कोई दिक्कत हो तो फिर पूछिएगा।